हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका विज्ञान क्लासेस में। स्टूडेंट्स, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को 10 देने के दबा दें, नई वीडियो आने वाली हैं। तो आज मैंने जो वीडियो ली है उसमें पंजाब की पूरी जानकारी दूंगा मैं। पंजाब के क्वेश्चन लिए हैं जो कि PSPCL में बहुत चांस है, क्योंकि पंजाब का लेवल का पेपर है तो पंजाब के क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। तो मैंने इसमें कुछ GK के ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, आपकी जो दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पंजाब के लेवल के एग्ज़ाम के लिए। तो और भी वीडियो आते रहेंगे, SBI एग्ज़ाम, कोई भी जो नया एग्ज़ाम है हम वो जानकारी देते हैं रोज़, और इसके ट्रिक्स बताते हैं और हम बहुत सारी अच्छी जानकारी देते हैं। तो सब्सक्राइब कर ले, तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर ले सबसे करते हैं हमारा जो आज का थॉट क्या है। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। परफेक्ट मोमेंट के लिए इंतज़ार ना करो, मोमेंट को हमेशा पकड़ लो और उसे ही परफेक्ट बना दो। तो इसी थॉट के साथ आज हम अपने मोमेंट को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन जान लेते हैं GK का। द रेलवे स्टेशन ऑफ पंजाब फ्रॉम वेयर लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेन ओरिजिनेट। पंजाब का ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जब लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेलवे जो कि रेल्स हैं वो पास करती हैं, यहाँ पर शुरू होती हैं, चलती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो चलती हैं, तो इसका जो आंसर है वो है अमृतसर जंक्शन। यस, द ए इज़ द राइट आंसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन, ये हमारा मार्च 2016 के अकॉर्डिंग जो भी शोध हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये है हमारा जो कि अमृतसर जंक्शन जा चलती हैं। क्लियर है, 66 ट्रेन्स चलती हैं अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इन द पंजाब रीजन। पंजाब रीजन में सिक्योरिटी के लिए जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी बनाई गई है उसका जो इंडियन आर्मी का, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसकी वेस्टर्न कमांड। तो वेस्टर्न कमांड के अंडर आता है पंजाब का जो सिक्योरिटी का एरिया। तो यहाँ पर आंसर है सी। तो हमारे देख रहे हो और भी बताता हूँ, देर आर टोटल 7 कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की 7 कमांड है जिसमें 6 ऑपरेशनल कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है, जिसमें आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है और 6 को ऑपरेशन किया जाता है। जैसे ऑपरेट करना है किसी को, क्या हो गया, कई बार कहीं बार कोई लड़ाई होगी तो वहाँ पर भेजने के लिए ऑपरेशनल कमांड को भेजा जाता है। तो यहाँ पर 7 कमांड है, तो ये याद रखने योग्य बातें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द नेम ऑफ IPL क्रिकेट टीम विच इज नेम्ड आफ्टर द स्टेट ऑफ पंजाब इज। आप सबको पता ही है ये किंग्स इलेवन पंजाब, जो कि IPL इंडियन प्रीमियम लीग है जो, तो इसमें क्या होता है ये क्रिकेट का जो पंजाब लेवल से जो टीम खेलती है उसका नाम रखा गया किंग्स इलेवन पंजाब। तो किंग्स इलेवन पंजाब क्या है, जो कि स्टेट ऑफ पंजाब के कारण रखा गया है इसका नाम। क्लियर है, जो कि BCCI इसे क्या करती है, मैनेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान अलॉन्ग पंजाब इज नोन एज विच लाइन। तो मैं बता दूं आपको, जो कि ये हमारा सपोज कर लो ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर हमारा पंजाब है और यहाँ पर हमारा पहले तो था पंजाब, अब तो पाकिस्तान है। तो यहाँ पर एक जो लाइन निकलती है उसके बारे में है, यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन है तो उस लाइन का उन्होंने पूछा है अभी, वो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। तो मैं आपको बता दूँ, उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, RADCLIFFE। तो अब एक बात करते हैं LOC, जो LOC की लाइन है ये थोड़ी सी यहाँ पर होती है पाकिस्तान के थोड़ी सी ऊपर और जम्मू कश्मीर को पार करती हुई ऐसे बनी होती है ऐसे, तो ये है हमारी LOC, यहाँ पर LOC होती है। मैकमोहन लाइन होती है यहाँ पर नेपाल के साइड, नेपाल और इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, वो होती है मैकमोहन लाइन। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, ये इंडियन GK में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब का अभी करंट जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? तो सबको पता है इसका आंसर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, दैट इज सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। पंजाब की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? लुधियाना इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से वो लार्जेस्ट जो है सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में। तो लुधियाना बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज़ द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पोस्ट इन पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। ये थोड़ा क्वेश्चन पुराना है, चलो फिर भी मैं आपको लिया है, तो इसमें 2015 का है, तो 61589 पोस्ट थी
जो कि पंजाब पुलिस में थी अकॉर्डिंग टू 1 अप्रैल 2015. तो सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट, जलंधर सिटी फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जलंधर सिटी के बारे में. जलंधर सिटी किसके कारण फेमस है? जलंधर सिटी फेमस है स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए. यहाँ पर स्पोर्ट्स होती हैं और वहाँ पर बनती है मैन्युफैक्चरिंग, जो स्पोर्ट्स के जो सामान है वो बनता है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री. तो ये पूरे इंडिया में द स्पोर्ट्स आइटम्स आर सप्लाइड ऑल थ्रू इंडिया एंड थ्रू एक्सपोर्ट इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में जाता है यहाँ से माल. तो नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस विच सिटी बिकम द कैपिटल ऑफ पंजाब. ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो सबसे पहले जो पंजाब की कैपिटल थी वो शिमला थी. अब ये कैपिटल है HP यानी कि हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है. और ये बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ से बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, लाखों टूरिस्ट आते हैं रोज हर साल. और ये बहुत ही वर्ल्ड की अच्छी, इसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं. ऐसा कुछ नहीं कह सकता है, क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है क्वीन ऑफ हिल्स शिमला को. तो शिमला का पहले पंजाब की जो कैपिटल थी 1947 के बाद शिमला हुई, बाद में चंडीगढ़ कर दिया गया. वेन वाज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश, क्योंकि GNDU है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी. तो वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, कब बनी थी? तो बनी थी 1969 में. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है GNDU. क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन पंजाब. पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है. और लेटेस्ट जो एडिशन हुई है डिस्ट्रिक्ट की वो 2011 में हुई है, तो वो थे दो, पठानकोट और फाजिलका. इन दोनों को अभी जोड़ा गया है 2011 में. क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांस हैं. क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं, विरासत ए खालसा इज सिचुएटेड इन विच सिटी. विरासत ए खालसा किस सिटी में बना है? विरासत ए खालसा जो भी बनाया था बादल की सरकार ने, तो वो बना था अनंतपुर साहिब में बना था. इस सिटी में बना हुआ है. दिस सिटी वाज फाउंडेड बाय श्री गुरु तेग बहादुर जी. ये जो सिटी थी श्री गुरु तेग बहादुर जी ने फाउंड की थी, यहाँ पर बसाई थी, और जो कि 9th गुरु थे सिखों के 9th गुरु कौन थे? श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी. और जो इसका आनंदपुर साहिब इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज मोस्ट पॉपुलस. किस डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, आबादी है? तो लुधियाना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, जिसकी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सर्वे 34.99 लाख मानी गई है. तो लुधियाना इज़ द राइट आंसर, जो कि मोस्ट पॉपुलस सिटी है. वो वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस. जो फर्स्ट इंडियन थे वो कौन ट्रैवल कर गए थे? वो कर गए थे राकेश शर्मा. तो ये राकेश शर्मा भी पंजाब से ही बिलोंग करते थे. ये बिलोंग करते थे दैट इज़ स्पेस में गए थे, और ये हमारे पटियाला से बिलोंग करते थे, पटियाला सिटी से, हमारी ही सिटी से बिलोंग करते थे. और रशियन स्पेस क्राफ्ट सोयोज इनका नाम था, जो जिसमें ये स्पेस पे गए थे. तो इस जो कि रॉकेट का नाम था, जो स्पेस क्राफ्ट था, सोयोज T-11 जो कि लॉन्च हुआ था 1984 में अप्रैल 3 को. इस पे राकेश शर्मा जी स्पेस में गए थे. तो हमारा आंसर क्या है? बी. हु वाज द फर्स्ट वन टू एस्टेब्लिश सिख रूल. सिख रूल सबसे पहले किसने एस्टेब्लिश किया था? बाबा बंदा सिंह बहादुर वाज द फर्स्ट सिख रूलर. जो पहले सिख रूलर थे, तो उन्होंने सिख रूल एस्टेब्लिश किया था 1710 में, मतलब 1710 में. तो उन्होंने मुगल आर्मी के साथ बैटल लड़ी थी चप्पड़चिड़ी में, मुगल आर्मी के साथ, तब उन्होंने जीत कर ये एस्टेब्लिश किया था. तो इसका आंसर क्या जाएगा? बाबा बंदा सिंह बहादुर, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर. क्लियर है? तो इसमें इन्होंने जीत हासिल की थी जो कि मोहाली में, अब चप्पड़चिड़ी, तो वहाँ पर इन्होंने विक्ट्री टावर भी बनाया था, जिसे फतेह बुर्ज के नाम से जानते हैं. तो फतेह बुर्ज किसके नाम से बना था? बाबा बंदा सिंह बहादुर. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, फतेह बुर्ज जो कि मोहाली में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंडस्ट्रियल इन द जलंधर. तो बता दूं आपको, जलंधर में सबसे ज़्यादा क्या इंडस्ट्री होती है, किसकी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है? तो होती है हैंड टूल्स मैन्युफैक्चरिंग. हैंड टूल, हाथ से बने हुए औजार, जो कि मेन इंडस्ट्री है जलंधर में. तो इट इज़ आल्सो फेमस फॉर, हमें एक क्वेश्चन पहले बताया था, स्पोर्ट्स गुड्स एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है. तो हैंड टूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी मानी जाती है, यहाँ पर बहुत सारे हैंड टूल मैन्युफैक्चरिंग बनते हैं.
लोहे का सामान, जैसे कोई लेथ हो गई तो जो जिससे भी कटर हो गए, तो ऐसी चीज़ें आराम से मिल सकती हैं जो कि मैकेनिकल एडवांटेजेस दे सकती हैं, जो कि औजार कहते हैं जिसे हम पंजाबी में। तो ये और कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्टेड का मतलब होता है भेजना, और कंट्रीज़ को भी भेजती है ये जलंधर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैंड टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ पंजाब बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, सबसे पहले वो पाकिस्तान में था, तो उस समय पंजाब की जो राजधानी कौन सी थी? तो उस समय पंजाब की राजधानी थी लाहौर। यस, लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में रहे, तो लाहौर क्या था, पहले पंजाब की कैपिटल थी लाहौर, बिफोर इंडिपेंडेंस, ये याद रखना है, आज़ादी से पहले। हाउ मेनी यूनिवर्सिटी आर देर इन पंजाब? पंजाब जितनी यूनिवर्सिटी है, तो टोटल पंजाब में 26 यूनिवर्सिटी हैं, ये आपने याद रखना है, और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी 6 है जो कि सीधी गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। तो 26 यूनिवर्सिटी हैं जो कि पंजाब में है। तो सिटी यूनिवर्सिटी है लुधियाना, उसे अभी अभी जोड़ा गया थोड़े साल पहले इन यूनिवर्सिटी में। तो 26 सी इज़ द राइट आंसर, पंजाब में 26। विच फ्रूट इज़ प्रोड्यूस इन हाइस्ट क्वान्टिटी इन पंजाब? पंजाब में सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट बनता है हाइस्ट क्वान्टिटी में? अमंगस द फ्रूट्स किन्नू इज़ प्रोड्यूस इन लार्जेस्ट क्वान्टिटी। जो किन्नू है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है पंजाब में, तो किन्नू हमारा आंसर है, दैट इज़ डी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि फिरोज इट इज़ ग्रोन मेनली इन, जो कि फजिलका में, फिरोजपुर में और मुक्तसर में ज़्यादा पाया जाता है, मुक्तसर, फिरोजपुर और फजिलका। तो प्रोड्यूस के हिसाब से गावा एंड मैंगोज, अगर हम टोटल क्वान्टिटी के हिसाब से बात करें, ये तो हाइस्ट क्वान्टिटी के हिसाब से, अगर टोटल क्वान्टिटी की बात करें, तो गावा एंड मैंगोज आर प्लेस एट सेकेंड। तो ये सेकेंड प्लेस पे आए हैं गावा और मैंगोज, अमरूद और आम इस सेकेंड प्लेस पे, और थर्ड पोजीशन पे आता है हमारा मैंगो रिस्पेक्टिवली फॉर मोर। ओके, तो ये हमारा जो पेज भी है विज्ञान क्लासेस, तो आप वहाँ पर जाके चेक भी कर सकते हैं, हमारा विज्ञान क्लासेस ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पे, तो आप पे जाके आप ज्वाइन कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तानी सिटीजन इज अवार्डेड भारत रत्न? जो कि पाकिस्तानी सिटीजन है जो पहले पंजाब में हुआ करते थे, तो उस किसको मिला था भारत रत्न अभी अभी? तो खान अब्दुल गफर खान, उनको मिला था भारत रत्न सबसे पहले 1987 में। क्लियर है, तो ही वाज ए फेमस इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़, इन्होंने बहुत सारी देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई है जो ब्रिटिश रूल इंडिया में था, और इसे एंड वॉज नोन एज सरहदी गांधी, इनको सरहदी गांधी भी कहते थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वेन द दिस अवार्ड वॉज गिवन टू नॉन इंडियन सिटीजन, ये पहला बार था जो नॉन इंडियन सिटीजन को अवार्ड दिया था, तो वो है आंसर खान अब्दुल गफर खान। वन डिड द जलियांवाला बाग मैसर अक्कर? तो जो जलियांवाला बाग का कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो हुआ था 1919 में, 1919, तो उसे याद रखना आसान है। तो वो 13 अप्रैल। आपको भी तरीका बता देता हूँ, 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की साजना हुई थी, तो याद रख सकते हैं, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का जो की है कांड हुआ था, तो ये आपने याद रखना है। और जहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश आर्मी जो थे, जनरल डायर था, उन्होंने क्या किया था, फायरिंग के हुक्म दे दिए थे नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स पर, जो कि इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, जो कि 1000 से ज़्यादा पीपल थे वहाँ पर, बहुत सारे फायरिंग के लिए थे। अभी भी वहाँ पर थोड़ी सी निशानियाँ हैं, आप जाओ अगर तो वहाँ पर दीवार पर आपको मिलेंगी बंदूक की गोलियों के निशान मिलेंगे, एक कुआँ है जहाँ पर वो गिर गए थे, तो ये सब निशानियाँ संभाल कर रखी हैं सरकार ने, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हाउ मच इज़ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब? पंजाब का टोटल एरिया क्या है? पंजाब का टोटल एरिया है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। स्केयर किलोमीटर मतलब स्केयर के हिसाब से बात करें, स्केयर किलोमीटर के हिसाब से करें, तो 50,362 स्केयर किलोमीटर टोटल एरिया है, जो कि पूरे इंडिया का 1.6% है। पूरे इंडिया का कितना है? 1.6%। हाउ मनी एयर फोर्स स्टेशन आर देयर इन पंजाब? एयर फोर्स स्टेशन जो कि हवाई जो आर्मी होती है, तो उसे एयर फोर्स स्टेशन कहते हैं, तो का कितने हैं पंजाब में? तो 5 एयर फोर्स स्टेशन है, 5 एंड दीज आर, एक पठानकोट में है, अमृतसर में है, और हलवाड़ा जो कि लुधियाना के नेड़े है हलवाड़ा,
और एक बठिंडा में है और एक आदमपुर में है जो कि जलंधर के नेड़े है। तो यहाँ पर 5 एयरफोर्स स्टेशन है। क्लियर, द आंसर इज बी। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन पंजाब इज एट विच रैंक अमंगस्ट ऑल 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर 29 स्टेट्स की बात करें तो पंजाब पॉपुलेशन के हिसाब से कितने रैंक पे है? तो पॉपुलेशन की जो पंजाब की है वो है 2.77 करोड़, जो कि अबाउट 2.3% है इंडियन की पॉपुलेशन की। तो वो इसी पॉपुलेशन के हिसाब से जो पंजाब है 16वें स्थान पे है। पंजाब की पॉपुलेशन इंडिया पे 29 के स्टेट्स के अकॉर्डिंग 16वें स्थान पे पंजाब आता है। विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया? रणजीत सागर डैम जो है, जिसे थेन डैम भी कहते हैं, वो लार्जेस्ट डैम सिचुएटेड इन द पंजाब में, रणजीत सागर डैम। विच इज़ यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है कैसे? डैम से। तो डैम से पानी गिरता है, टर्बाइंस घूमती हैं, तो टर्बाइंस घूमेंगी तो क्या होगा? टर्बाइंस घूमेंगी, जनरेटर वर्क करेगा, जनरेटर वर्क करेगा तो क्या होगा? बिजली पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, तो वो बिजली इरीगेशन के लिए, तो फ्लड जब आते हैं उसी के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो ये रावी रिवर पर बनी हुई है, तो नियर शाहदपुर कंदी टाउन जो कि पठानकोट में है वहाँ पर है। तो शाहपुर कंदी डैम जो है इज़ एन एसोसिएटेड विद डैम ऑफ रणजीत सागर डैम। तो इसे रणजीत सागर डैम को कहा जाता है, शाहपुर कंदी डैम, जो कि थोड़ी सी दूर है रणजीत सागर डैम से। क्लियर है? तो हमारा आंसर कौन सा है? रणजीत सागर डैम, सॉरी, ये शाहपुर कंदी डैम अलग है, तो ये थोड़ी सी दूर है, यहाँ पर लिखा हुआ थोड़ी सी दूर है, इसको नहीं कहा जाता, तो थोड़ी सी दूर है। नेक्स्ट, हु आज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ पंजाबी सुबह मूवमेंट चलाई थी, तो उसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर है वो कौन था? तो मास्टर तारा सिंह जो थे वो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे, जो कि पंजाबी सुबह मूवमेंट के। टुडे स्टेट ऑफ पंजाब वाज रिटन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस ऑन 1 नवंबर 1966 में बना था जो पंजाब, एंड इज सेलिब्रेटेड एज अ न्यू पंजाबी डे। तो इसी दिन 1 नवंबर को हम न्यू पंजाबी डे भी मनाते हैं, क्योंकि ये 50th ईयर ऑफ गोल्डन जुबली हो सकता है, 50th ईयर ऑफ गोल्डन जुबली मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, द फर्स्ट एंग्लो सिख वार स्टार्टेड इन विच ईयर? द फर्स्ट एंग्लो सिख वार थी वो कब हुई थी स्टार्ट? तो वो दिसंबर 1845 में एंग्लो सिख वार हुई थी, जो कि मुदकी, फिरोजशाह, अलीवाल एंड सबरवान बटवीन लड़ी गई थी दिसंबर 1845 से 1846 तक, मार्च 1846 तक, एक साल तक लड़ी गई थी। तो ये कब हुई थी? 1845 में स्टार्ट हुई थी एंग्लो सिख वार, और ये मुदकी, फिरोजशाह, अलीवाल और सबरवान के बीच में लड़ी गई थी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पंजाब के जो करंट अफेयर्स थे, इसका ये वैसे तो पहला दूसरा पार्ट है ये मुझे सबसे, जो मैंने पहले भी बनाया था पंजाब की जीके के बारे में, पंजाब का जो जीके के बारे में, तो ये आई थिंक दूसरा पार्ट है। तो कोशिश करूँगा मैं तीसरा पार्ट लाने की, तब तक आप सब्सक्राइब करते रहे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर करेंगे आपको और वीडियोज अच्छी अच्छी मिलेंगी, नई लेके आऊँगा। आपको पास कराना है PSPCL में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।